मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है, कुछ देर में परिवार को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। कूपर अस्पताल में हुआ बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। कल बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, दो आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, एक की तलाश जारी है और फिलहाल बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है, थोड़ी देर में परिवार को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। कूपर अस्पताल में हुआ बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है, कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम हुआ और थोड़ी ही देर में बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। हमारे संवाददाता मृत्युंजय इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, क्या जानकारी मिल रही है? पार्थिव शरीर परिवार को सौंप भी दिया गया है और इस वक्त अस्पताल परिसर से एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस में सुशांत सिद्दीकी बैठे हुए हैं, परिवार के अन्य सदस्य बैठे हुए हैं और ये जो एम्बुलेंस है सीधे मुंबई के जुहू इलाके से निकलकर सांताक्रूज की तरफ जाएगा, बांद्रा की तरफ जाएगा, बांद्रा में जहाँ पर सिद्दीकी परिवार रहता है और वहाँ पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहाँ पे घर के लोग सबसे पहले अंतिम दर्शन करेंगे और फिर कुछ समय के लिए उस इलाके में जो कॉन्स्टिट्यूएंट जहाँ के 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, वहाँ पर आम लोगों के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है और उसके बाद जो शाम को मगरीब की नमाज होगी, मगरीब की नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा घर में ही और फिर मुंबई के मरीन लाइन्स ले जाया जाएगा। मरीन लाइन्स खास कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बड़ा कब्रिस्तान जो है वहीं पर इनके वालिद बाबा सिद्दीकी के माता पिता का भी जो अंतिम संस्कार है जो सुपुर्दे खाक किया गया था उसी बड़ा कब्रिस्तान में किया गया था, तो वहीं पर बाबा सिद्दीकी को भी सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो इस समय हम कह सकते हैं एम्बुलेंस मुख्य सड़क पर आ गई है और जो एम्बुलेंस है वो धीरे धीरे बांद्रा की दिशा में बढ़ रही है, जहाँ अगले 15 से 20 मिनट या लगभग 25 मिनट में पार्थिव शरीर उनके निवास पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय ने यहाँ पर बड़ी खबर दी है कि पार्थिव शरीर को परिवार वालों को सौंप दिया गया है, बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और अब अंतिम दर्शन के लिए जो बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शव है वो रखा जाएगा, क्योंकि उनके बड़ी संख्या में समर्थक थे, लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और अब यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को सौंप दिया गया है परिवार वालों को। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कूपर अस्पताल से, जहां पर पोस्टमार्टम खत्म हुआ है बाबा सिद्दीकी का और उसके बाद उनके पार्थिव शव को परिवार वालों को सौंपा गया है। उनका पार्थिव शव अब कूपर अस्पताल से उनके निवास स्थान के लिए रवाना हो रहा है। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी उनके पार्थिव शव के साथ में मौजूद हैं और फिलहाल कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। आप ये तस्वीरें कूपर अस्पताल से लाइव देख रहे हैं, क्योंकि उनके पार्थिव शव को अब यहां से परिवार वालों को सौंप दिया गया है और उनका पार्थिव शव उनके निवास स्थान के लिए जिशान सिद्दीकी जो उनके बेटे हैं लेकर रवाना हो रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई के कूपर अस्पताल से, जहां पर बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम हुआ था और इस ये एम्बुलेंस की आप तस्वीर देखिए, इसी एम्बुलेंस में बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शव उनके परिवार वालों के साथ उनके निवास स्थान के लिए रवाना किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए कि कूपर अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस अब रवाना हो रही है उनके निवास स्थान के लिए। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। मृत्युंजय हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं कूपर अस्पताल से। मृत्युंजय, पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, आपने बताया कि उनके परिवार वालों को पार्थिव शव भी सौंप दिया गया है, अंतिम दर्शन अब से कुछ देर बाद ही शुरू होगा और इस बात की भी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जो मुंबई के लोग हैं वो बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे। बिल्कुल, देखिए बाबा सिद्दीकी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, खास करके मुंबई के बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट, इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो बहुत पॉपुलर नेता हैं। 1991 में पहली बार एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक नगर सेवक के तौर पर चुनकर आए थे, दो बार, दो टर्म
वो एक नगर सेवक रह चुके हैं और नगर सेवक के बाद वो विधायक का चुनाव लड़े और लगातार तीन बार यानी 2014 तक वो बांद्रा वेस्ट की सीट से, जो कि मुंबई की एक या महाराष्ट्र की एक हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से विधायक चुनकर आए। वो ऐसी सीट है जहां पर देश के जाने माने सितारे भी मतदान करते हैं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, रेखा हो, ऐसे तमाम सितारे वहां पर मतदान करते हैं। तो ऐसी हाई प्रोफाइल सीट से वो चुनकर आए और 2014 तक वहां से विधायक थे। इतना ही नहीं, 2004 की कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो पॉपुलर है। तो वहां पर निश्चित तौर पर उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए उमड़ेंगे, जिसके लिए घर के बाहर तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो, इसका भी ध्यान रखकर तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल मृत्युंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी के परिवार से पुलिस बातचीत कर रही है, जनाजे को लेकर परिवार और रिश्तेदारों से बातचीत, कोई अनजान या संदिग्ध दिखे तो बताएं, पुलिस का ये कहना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी के परिवार से बातचीत कर रही है मुंबई पुलिस, और मुंबई पुलिस का कहना है कोई अनजान या संदिग्ध दिखे तो जरूर सूचित करें। क्योंकि आप देखिए, बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, और इसके साथ ही क्योंकि उनके परिवार वालों पर भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा।